गुड इवनिंग। मेरी आज की वीडियो है जो वो एक अपनी जो पौधों जो चंपा के पेड़ मैंने लगाए हुए थे तो उनकी मैंने इस मिट्टी को निकाला और इसे छाना और मैंने इसे 3 दिन धूप में डाला और आप देख रहे हैं कि मिट्टी कितनी पोरस हो चुकी है और इसका जो भी इसमें कोई फंगस या कुछ भी था वो बिल्कुल पोरस हो चुकी है। तो मैंने अपने 2 पेड़ों को लगाया हुआ है, उन्हें रिपोर्ट किया है। उनकी जो थी पुरानी मिट्टी को ये सुखा दिया है और उसमें कुछ नई मिट्टी और अपना गोबर का खाद और थोड़ा सा बुरादा वगैरह मिक्स करके उन्हें रेडी किया है। मैं उन्हें अभी दिखाऊंगी और तीसरा पेड़ मैं चंपा का रिपोर्ट करूंगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो देखिए कि ये मिट्टी कितने अच्छे से ये मैंने जो छाना है ये इस तरह, ये जो मेरा कंपोस्ट भरा हुआ था उस प्लांट में वो सब मेरा ऐसे हो गया है, बिल्कुल खाद बन गया है और ये सारा मोटा मोटा मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इसमें फिर एक प्लांट और अपना चेंज करूँगी, उसे लगाऊँगी। और जो मेरा छना हुआ है सारा वेस्ट आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से साफ़ कर दिया है हमने। ये मोटा मोटा मैं फिर किसी प्लांट को लगाऊंगी तो उसके नीचे पहले इसकी लेयर को जमा करूंगी, सूखी पत्तियों को जमा करूंगी और फिर मैं प्लांट लगाऊंगी। तो आप तो देखिए ये मेरा चंपा का, वाइट चंपा का जो पेड़ है ये मैंने अभी रिपोर्ट किया था और आप देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये मेरा ज़्यादा नहीं 2-3 साल पुराना पौधा है और मैंने इसमें नारियल की जो कटिंग थी वो भी इसमें डाली हुई है, आप देख सकते हैं। नीचे भी मैंने इसकी लेयर जमाई है। और दूसरा दिखाती हूँ मैं, रेड कलर की चंपा है मेरी जो, उसका पेड़ भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा दूसरा प्लांट है रेड चंपा का, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है इसमें भी। और ये भी मैंने अभी रिपोर्ट किया है क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया था 2 साल में कंपोस्ट उसका। तो अब मैं तीसरा पेड़ लगाने जा रही हूँ, आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा ये तीसरा प्लांट है चंपा का। वैसे तो चंपा की मेरे पे कम से कम 10 प्लांट हैं और ये वाकई में अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत हार्डली प्लांट होते हैं। लेकिन आप रिपोर्ट करने से पहले पौधे को गीला कर लें पानी से अच्छी तरह, नहीं तो उसकी जड़ें टूट जाएंगी। ये देखिए इसमें कितनी जड़ें बाउंड हो रही हैं, इसी वजह से हमें इसे चेंज करना पड़ रहा है। और अब मैं इसे निकालूंगी, थोड़ा काफ़ी गीला हो चुका है। ये देखिए काफ़ी बाउंड हो चुकी हैं इसकी जड़ें, ये देखिए काफ़ी जड़ों से भरा हुआ है और इसलिए हमें रिपोर्ट करना पड़ रहा है। और देखो मिट्टी भी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मैंने ये नीचे जो था कुछ मिट्टी का बुरादा था और थोड़े अंडे के छिलके भी डाले हुए हैं इसमें मैंने क्रश करके। तो अब मैं इसे दिखा रही हूँ, अभी इसे थोड़ा खाली कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमें कोई भी अपना वेस्ट कपड़ा डाल लेना चाहिए इसमें। और ये कुछ नारियल की कटिंग्स हैं जो कि इससे ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम इसका बना रहेगा और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो जल्दी निकल जाएगा। और इसके ऊपर जो ये मैंने छाना हुआ था वेस्ट वो डाल दूँ। ये देखिए इसे गल भी जाएगा और अच्छे से इसमें पानी वानी की कोई वो नहीं होगी दिक्कत भी। अब इसमें हम थोड़ी मिट्टी डालते हैं, ये मेरी छनी हुई मिट्टी है, ये देखिए। इसकी मैंने ज़्यादा जड़ें नहीं छेड़ी हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश हो नहीं रही है अभी। अगर इसे मैं ज़्यादा करूँगी तो हो सकता है कि ये जड़ें ख़राब हो जाएं। बस इसे मैं ऐसे ही अब सारी मिट्टी से इसे दबा दूँगी। इस पेड़ को बहुत ही आसान है लगाना, आप कैसी भी मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। आप इसे कंपोस्ट ना भी दें तब भी ये पेड़ बहुत आसानी से चलता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसकी कोई भी स्टिक काट के आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये तभी हो जाएगी।
ये देखिए, ये रेड चंपा की है और ये वाइट की। ये मैं एक ऐसा सेट बना रही हूँ ताकि ये पेड़ बहुत अच्छे से लगे और डिज़ाइन भी सुंदर लगेगा। ये देखिए हमारा पेड़ लग चुका है। इसमें मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद भी डाली है और थोड़ा सा परलाइट था, थोड़ा कोकोपीट था, और इसे थोड़ा सा हम सेमी शेड में रख देंगे एक दो दिन। इसे डायरेक्ट हम धूप में नहीं रखेंगे ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। और ये देखिए, ये मैंने सारी मिट्टी निकाल दी है। अब इसे मैं दो तीन दिन तक धूप में डाले रखूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए, और इसमें कुछ नई मिट्टी, नया खाद, गोबर की खाद वगैरह जो भी डालनी होगी, कंपोस्ट, किचन वेस्ट, वो सब मिला के इसे मैं फिर से एक नए पेड़ को रेडी करूँगी, ग्रो करूँगी। अगर आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।